सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों आज के वीडियो में आपको मैं बताना चाहूंगा कि दो फोन के बीच की जो स्पेसिफिकेशन है इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं बताना चाहूंगा। वो है मी मैक्स 2 और मी मैक्स, जो दोनों ही फोन चाइना में लॉन्च किए गए, वो दोनों की स्पेसिफिकेशन इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी ही एक रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये मेरे पास दो फोन की स्पेसिफिकेशन है। तो पहला जो स्पेसिफिकेशन है उसमें पहले जो नेटवर्क में आता है तो दोनों ही फोन में वोल्टी सपोर्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वो दोनों ही फोन सेम ही है। दूसरी बात जो है वो है इसकी बॉडी की, तो उसकी बॉडी जो है वो है एक जो मी मैक्स जो 2 है उसकी बॉडी के जो बात करें या उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सिरामिक की है। वो दूसरी तरफ मी मैक्स की कोई ऐसी बॉडी की जो स्पेसिफिकेशन दी नहीं है इसमें, और दोनों मी मैक्स 2 में ड्यूअल सिम है और बस, और मी मैक्स में आपको हाइब्रिड ड्यूअल सिम मिल जाता है माइक्रो सिम, इसमें कोई डेडिकेटेड कोई स्लॉट मिलता नहीं है इसमें। दूसरा जो इसकी डिस्प्ले, जो इसकी डिस्प्ले है तो वो मी मैक्स 2 में आपको IPS डिस्प्ले मिल जाता है, 5.9 की डिस्प्ले 18:9 के रेशियो में। और दूसरी तरफ देख रहे हैं तो मी मैक्स में आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है इसमें। तो डिस्प्ले के मामले में मी मैक्स 2 की बहुत बड़ी डिस्प्ले है और दोनों ही फ़ोन में फुल HD सपोर्टेड है। दूसरी बात इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन इसमें कोई स्पेसिफाई किया नहीं है, और मी मैक्स 2 में MIUI 9 आने वाला है, जबकि दूसरी तरफ जो मी मैक्स है उस फोन में आपको MIUI 7 मिल जाता है और एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो है उसमें 7.9 अपडेटेड है। दूसरी तरफ जो बात करें तो उसमें आपको 7.1.1 मिल जाता है इसमें। और उसकी चिपसेट की बात करें तो चिपसेट में मी मैक्स 2 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835 मिलता है, तो दूसरी तरफ मी मैक्स 2 में 650 का मिल जाता है इसमें। तो प्रोसेसर की बात में जो फ़ोन है वो बहुत आगे निकल जाता है ये मी मैक्स 2। दूसरी तरफ उसका GPU है वो एड्रीनो का 540 है, तो इस तरफ मी मैक्स का जो है वो एड्रीनो का 510। तो इसमें भी चिपसेट और GPU के मामले में बहुत अच्छा है फ़ोन ये मी मैक्स 2। मेमोरी की बात करें तो उसमें मेमोरी का आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, 64GB 128 या 256GB की रैम, GB की इंटरनल स्टोरेज और 6GB की रैम और 128। दूसरा जो वेरिएंट है वो 128GB वाला और 8GB रैम में मिल जाता है। जो मी मैक्स में आपको 16GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज और 2GB रैम मिल जाता है। दूसरा जो वेरिएंट है 32GB और 64GB, उसमें 3GB का वेरिएंट मिल जाता है और 128GB वाला जो वेरिएंट है वो 4GB रैम में मिल जाता है। तो दोनों ही कंपैरिजन करें तो उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज है मेमोरी की बाबत में, जो मेमोरी की बाबत जो बहुत हाई है वो है मी मैक्स 2 में है, तो अच्छा रहेगा बेटर। कैमरा की बात करें तो उसमें 12 मेगापिक्सल का मी मैक्स 2 में मिल जाता है कैमरा और ड्यूअल LED फ्लैश के साथ, और प्राइमरी जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का मिल जाता है। जब दूसरी तरफ मी मैक्स में आप देख रहे हैं तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। तो दोनों का देखा जाए तो मी मैक्स का कैमरा बहुत अच्छा है। और उसकी बात करें फीचर्स फोन के, तो फिंगरप्रिंट सेंसर और सभी तरह के सेंसर इसमें मिल जाते हैं और इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं, कलर की बाबत में जो देखा जाए तो बहुत अच्छा है। कलर में दो मी मैक्स 2 में दो ही कलर है, जबकि मी मैक्स में 3 कलर अवेलेबल है, ग्रे, सिल्वर और गोल्ड। तो कलर में बहुत इसमें 3 कलर मिल जाते हैं, दूसरी तरफ मी मैक्स 2 में दो ही कलर मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी ही रोज़ एक वीडियो लाता रहूँगा।
धन्यवाद।